नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुविचार कोश में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कोरोना वायरस पर एक संपूर्ण जानकारी लेकर आया है। हमारे वीडियो को अपने परिवार और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें और हमारे चैनल सुविचार कोश को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई सारी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। आइए जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। कोविड-19 नाम का यह वायरस अब तक 70 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। कोरोना वायरस बीमारी के लक्षण। कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। कोरोना वायरस के बचाव के उपाय। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल करना चाहिए, खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाकर रखें। अंडे और मांस के सेवन से बचें। कोरोना वायरस को लेकर लोगों में एक अलग ही बेचैनी देखने को मिली है। मेडिकल स्टोर्स में मास्क और सैनिटाइजर की कमी हो गई है, क्योंकि लोग तेजी से इन्हें खरीदने के लिए दौड़ रहे हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हो या फिर लैब में लोगों की जांच। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई तरह की तैयारी की है। कोरोना के संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए सावधानी बरतने की जरूरत है, ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। और अंत में दोस्तों, मैं यही कहूंगी, दुनिया हिला दी है इस वायरस ने, जिसका नाम है कोरोना। हिंदुस्तानी कहता है इससे डरो ना, हिंदुस्तानी कहता है इससे डरो ना। थैंक यू।